शेयर्स बता दीजिए। नहीं और भी बता दूं डिब्बी जी, 210-15 में आपको पेट्रोनेट बड़ी जोर से कहा था कि उनका जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रैस ऑफ कतार के साथ है वो बहुत सॉलिड है। पेट्रोनेट इज अ वेरी चीप स्टॉक, 210-15 वाला 275 हो गया। एनबीसीसी आपका ट्रिपल हो गया, हुडको नैलको मैंने सेल आपका गेल ये सब आपको कहे थे। एनीवे जो जिसने जो ले लिया प्रॉफिट भी लेना सीखिए। अभी आपके लिए देखिए अशोक लीलैंड के नंबर मुझे बहुत पसंद आए। अशोक लीलैंड में अभी भी कह रहा हूँ एज ए डिस्क्लोजर, अशोक लीलैंड विप्रो दोनों हमारे पोर्टफोलियो में है हम इसमें, लेकिन मैं आपको बोलूं 200 रुपए भी कम है अशोक लीलैंड के लिए। ये 250 भी चले जाए कोई बड़ी बात नहीं। ये बस मार्केट सीवी मार्केट में मोर मार्केट शेयर देन इट इज ईटिंग इनटू टाटा मोटर, और इसका जो ईवी लॉन्च है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। अशोक लीलैंड मेरे हिसाब से मिनिमम फर्स्ट टारगेट 200 है, उसके बाद 225, 172 का स्टॉप लॉस रखिए। विप्रो मुझे लगता है आउट परफॉर्मर है इन द लार्ज कैप आईटी स्टॉक, और 483 वाला 510 तक जा सकता है, 470 का स्टॉप लॉस। फिर इंडिया बुल रियल इस्टेट में आपको 90-95-99 से कह रहा हूं, कल उसने एक न्यू हाई मारा है 108 का। 12 तारीख को इसमें मर्जर की बात है। यू कैनॉट हैव जिस तरह से रियल इस्टेट के प्लेस बाकी जा रहे हैं और इंडिया बुल नॉट पार्टिसिपेटिंग। 12 तारीख को मोर क्लैरिटी आएगी, 15 को ईजीएम है। मुझे ये 125 का पहला टारगेट और 150 का स्लाइटली लॉन्गर टर्म टारगेट इसमें दिखता है। चौथा मैं ये भी कहूंगा कि कल आपने टाटा केमिकल के वीक रिजल्ट दिए देखे यूपीएल के, लेकिन ये पेडिग्री कंपनीज है, आप एग्रो केमिकल और पेस्टिसाइड्स के बिना रह नहीं सकते। इनके डी स्टॉकिंग इज मोर और लेस प्लेड आउट। आपको ऐसे ब्लू चिप शेयर जब इतने 11-11-12% नीचे मिले तो अक्यूमुलेट, क्योंकि इनमें आज नहीं तो कल जिस तरह से फेरबदल है डी स्टॉकिंग और इन्वेंट्री के जो यू नो डेट्स ऑफ रिसीवेबल्स वो सब एक साइकिल चेंज हो जाएगा। दीज आर स्टॉक्स विच यू शुड लुक फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स विच कैन इजिली गिव यू 50% रिटर्न, टाटा केमिकल यूपीएल एंड एसआरएफ।